मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो, झूठ फैलाया जा रहा है। पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। हम सीएबी के माध्यम से आए हुए सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों को यहाँ नागरिकता देंगे, उसके बाद एनआरसी को हम अमल में लाने वाले हैं। एनआरसी मोदी जी लेकर आएंगे, एक एक घुसपैठिए को, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल की खाड़ी में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाला। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये देश की मूल समस्या को एड्रेस करने का और मूल समस्या के समाधान का एक रास्ता है। कोई देश ऐसे कैसे चल सकता है कि कोई भी आकर यहाँ बस जाए? ये धर्मशाला है क्या? इस तरह से देश नहीं चल सकते। कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाह सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। चुनौती देता हूं, जाइए मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए, कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बुआती है तो देश के सामने लाकर के रख दीजिए। भाइयों बहनों, जो आप लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है के कपड़ों से ही पता चल जाता है। पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्या मिलेगा आपको? देश से लगाव के कारण जीते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को समर्पित है।